सीबीआई ने कहा कि चारा घोटाला मामले में लालू ने मात्र 22 महीने ही जेल में बिताए हैं। जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है तो रिम्स में चिकित्सक लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने सुनवाई पूरी की और लालू की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि अभी उन्होंने सीबीआई अदालत द्वारा दी गई सजा की आधी अवधि न्यायिक हिरासत में पूरी नहीं की है। सीबीआई अदालत ने लालू यादव को इस मामले में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई, मतलब इस मामले में लालू को कुल 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले 22 नवंबर को और फिर 29 नवंबर को दोपहर बाद होनी थी, लेकिन उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के निधन के चलते द्वितीय पारी में न्यायालय में शोक सभा हुई और सुनवाई नहीं हो सकी। सीबीआई ने इस मामले में पहले ही अपना जवाब न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया था, जिसमें उसने लालू को भ्रष्टाचार के इस मामले में जमानत दिए जाने का सख्त विरोध किया। सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में जमानत दाखिल की है। इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है, ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हो सकी है। जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है तो रिम्स के चिकित्सक लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। 15 बीमारियां होने के बाद भी फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद की ओर से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार जरूर लगाई गई। अंततः उच्च न्यायालय ने सीबीआई की दलील मान ली और लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने मामले में 8 नवम्बर को लालू के वकीलों की दलील सुनी थी, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने लालू की उम्र उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था। लालू चारा घोटाले के 4 विभिन्न मामलों में सजा याफ्ता हैं और फिलहाल बिरसा मुंडा कारागार के माध्यम से रिम्स अस्पताल में भर्ती और इलाज करवा रहे हैं। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।